जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 15 अप्रैल को होना है। मतदान के लिए ड्यूटी आवंटन हो चुका है और ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है, लेकिन तमाम शिक्षक व कर्मचारी अपनी चुनावी ड्यूटी से नाम कटवाने के लिए तमाम तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। कोई खुद को बीमार बता रहा है तो कोई खुद को परिवार का एकमात्र सहारा, किसी ने बुजुर्ग स्वजन की देखभाल का बहाना बनाया है तो किसी ने बच्चे छोटे होने का। कुछ कार्मिक पति पत्नी भी अपनी ड्यूटी कटवाने के लिए जुगाड़ में लगे हैं। पंचायत चुनाव की ड्यूटी का खौफ इतना है कि आजकल राज्य कर्मचारी अपना काम छोड़कर सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी कटवाने के लिए एक सूत्री कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। इसके लिए वह विभाग से लेकर कलेक्ट्रेट और मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के साथ पत्रकारों, माननीयों व अधिकारियों के साथ अपने पहुंच वाले साथियों को टटोल रहे हैं। कुछ को चुनावी ड्यूटी से इतना डर है कि वे खर्चा करने से भी पीछे नहीं हट रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि छुट्टी के लिए आवेदन करने वाले सभी शिक्षक झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो वाकई बेहद परेशान है और उनकी स्थिति चुनाव ड्यूटी देने की नहीं है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आकांक्षा शर्मा के साथ अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। मैं ब्लॉक खंदौली दोहरा से हूँ और मेरी ड्यूटी सैया लगा दी गई है। अभी इस वक्त मैं ऐसी अवस्था में नहीं हूँ कि मैं ड्यूटी कर सकूँ। मेरा आखिरी मंथ ही चल रहा है और मैं सर से मैंने अभी आवेदन नहीं दिया है, मगर अभी सर यहाँ बैठे नहीं हैं। जब बैठेंगे तो वो ड्यूटी काट सकते हैं, तो उनसे अति कृपा है कि वो ड्यूटी मेरी काट दें। अगर बाय द वे ड्यूटी नहीं कटती है तो बाय द वे उनसे और रिक्वेस्ट करूँगी मैं, अगर नहीं कटती है तो मजबूरी मुझे देनी पड़ेगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो सर को जवाब देना पड़ेगा।